हर वर्ष की भांति इस वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की बारात तथा उनके द्वारा दर्शाई गई रामलीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए रामलीला कमेटी के लिए चयन किया गया। एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बेवा रामलीला कमेटी के पिछली बार अध्यक्ष घनश्याम दीक्षित को बनाया गया था और इस बार भी एक दिन चुनाव हुआ जिसमें घनश्याम दीक्षित बनाए गए। उसके दूसरे दिन अध्यक्ष उनको नहीं माना गया और पुलिस की निगरानी में चुनाव किया गया जिसमें अनुपम दीक्षित उर्फ सांवरिया को रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सभी ने एक साथ होकर अनुपम दीक्षित का समर्थन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में नगर के लोग मौजूद रहे। मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। इस मौके पर अपनी अपनी क्या क्या राय रखी गई, आइए दिखाते हैं आपकी पूरी रिपोर्ट क्या है। मैनप्रीत अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। ज्यादा कड़वा रहा मेले के टाइम में, नहीं मेले के बाद के टाइम में। शायद हमारी शकल से मेरे नाम से लोगों को नफरत हुई होगी और हो भी रखी है, लेकिन मेरे व मेरी टीम के काम से शायद किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ना कि कोई भी शिकायत का मौका दिया हमने काम करने में। लगभग 7-8 साल हो गई मेला में कोई ना कोई दायित्व हम निभाते रहे हैं उस हिसाब से। और अभी तक जितनी भी कमेटियां बनी, जहां से मेला की शुरुआत हुई है शायद 1945 या 1947 में, पूरा ध्यान नहीं है, तब तक से लेकर अब तक श्री रविकांत तिवारी जी अध्यक्ष रहे, उनके हाथों में किन लोगों ने जो अध्यक्ष रहे होंगे कितने पैसे दिए कोई पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 24,000 रुपये हमें बचा करके दिए थे। लेकिन हमारी जो टीम काम कर रही थी उस काम को देखते हुए, काफ़ी अड़चने आने के बाद, पैसा इधर उधर फालतू का बर्बाद करने के बाद भी, हमने 1,25,000 रुपये की रकम एक बार में ही इकट्ठी करके रामलीला कमेटी के पास में जमा है, कोषाध्यक्ष जी के पास में, उसमें से कुछ पैसा खर्च भी हो रहा है। ऐसा किया कि जिससे मेरे ऊपर कोई आरोप लगने की गुंजाइश हो, वैसे ही छवि बहुत ज़्यादा खराब कर रखी है पब्लिक ने। ये जो परंपरा की बात अभी दादा ने और भाइयों ने कही थी कि 5 साल की जो परंपरा बनाई है, ये अपने आप बन गई थी क्या? परंपरा बनी, परंपरा के अंतर्गत 5 साल हमारे माननीय रविकांत जी तिवारी जी उसके अध्यक्ष रहे। पिछले वर्ष में घनश्याम को मेला कमेटी का अध्यक्ष 5 साल के लिए नियुक्त किया गया, आप भी उसमें 5 साल के लिए मंत्री थे। कल ब्यौरा मांगा गया देवकी नंदन दादा ने, 1,25,000 रुपये जो बचत थी उसका पूरा ब्यौरा दिया लिखित परिचय में, रजिस्टर में, यहाँ तक आ गया जिसने जो चंदा दिया है, जो कुछ है, एक एक कॉपी सबको दे दी जाएगी। दूसरे तरीके मतलब वो खुद नहीं गए प्रार्थना पत्र उनके नाम से, एक बार नहीं दो बार जाता रहा। मेला मेरा कहने का तात्पर्य है, ये जो राजनीति होती है, एक ग्राम विदेश को लेकर जो राजनीति होती है पहले से खत्म कर लो, उसके बाद मीटिंग करो और अपना अपना जो कार्य है वो करो। मेरा पिछले साल खराब लगा था क्या? राम बरात में कोई कमी थी? कोई महिला बहन बेटी रात के 11 बजे छोड़ो 12 बजे पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और कोई छेड़े मजा लो उसकी? हाँ सही कह रहे हैं भैया, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, किसी की किसी समाज के किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आगे आपका जो अनुभव है, आपका सहयोग है, वो आप करें। अगर किसी को मेरी बात से कष्ट, अपनी बात से पैसे तो नहीं खाया, ये आक्षेप तो कोई लगा ही नहीं सकता है कि मेला कमेटी में कोई मेला के अंदर प्रांगण में या चौराहे पे कोई किसी ने किसी प्रकार की बदतमीजी की हो। इसके बावजूद अगर ये स्थितियां पैदा हो रही, बाकी आप देखें भैया जो कुछ भी है।